पेगासस जासूसी मुद्दे पर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भाकपा माले और मासस ने केंद्र सरकार मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद सहित मासस के नेता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले और मासस नेताओं ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर केंद्र के मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार केंद्र सरकार संविधान पर हमले कर रही है। आज ही के दिन कश्मीर में धारा 370 हटाकर कश्मीरियों के अधिकारों का हनन किया गया था। केंद्र सरकार जब तक पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जाँच नहीं कराती है तब तक देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विपक्ष की पार्टियों के सामने तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, वो तो मांग कर रहे हैं कि पेगासस जिसमें 300 लोगों की जासूसी की गई है, जिसमें सांसदों मंत्रियों तक की जासूसी की गई है, जजों तक की जासूसी की गई है, उस पर अगर संसद बहस कराने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत कराने के लिए तैयार नहीं है, इतना गंभीर मामला है तो ये तो संसद के सामने भी एक जबरदस्त संकट है। ये केंद्र सरकार की सत्ता में बैठी मोदी सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उन सवालों पर बहस कराए और जो संसद का समय बर्बाद कर रही है केंद्र की सरकार मोदी सरकार उसका समुचित उपयोग करे और जो जनता की मांग है, विपक्ष की जो मांग है, जो सवाल है, उन सवाल पर गंभीरता से संसद की बात राय ले कि इसकी न्यायिक जाँच कराई जाए। और इसके साथ ही साथ आज जिस तरह से संविधान पर हमले हैं, दो साल पहले आज ही के दिन 370 धारा को सामने ला करके कश्मीरी जनता के साथ जो एकता थी उसको तार तार किया गया था। लगातार देश में संविधान पर हमले हो रहे हैं, उसके जो अधिकार हैं उसमें जनता को कटौती की जा रही है, इन सारे सवालों को लेकर के आज पूरे देश में प्रतिवाद हो रहे हैं और झारखंड के अंदर में मासस और भाकपा माले मिलकर के जो ये प्रतिवाद संगठित किया है। सरकार जब तक पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जांच नहीं कराती है, संविधान पर जो हमले हो रहे हैं इस पर जब तक रोक नहीं लगती है, तब तक दोनों पार्टियां मिलकर के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे